सत्ता पक्ष के प्रचार तंत्र द्वारा राहुल गांधी को बदनाम करने के तमाम प्रयासों, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा आप सबने देखा है, लेकिन अब ठीक उसी तर्ज पर फेक खबरों और मात्र तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी और उनके समर्थकों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें मोदी जी सऊदी के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ट्रोलर्स द्वारा पीएम मोदी और उनके मुस्लिम विरोधी समर्थकों पर जमकर हमले किए गए। ट्रोलर्स ने दावा किया कि मोदी समर्थक जिन मुसलमानों को दिन रात अपशब्द कहते नहीं थकते, वही मोदी जी आज एक इस्लामिक देश के मुस्लिम प्रधान के पैर छू रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ये तस्वीर पूरी तरह से फर्जी है, जिसे मन मुताबिक मॉर्फ किया गया है। बूम नामक वेबसाइट ने अपने फैक्ट चेक में पाया कि ये तस्वीर 2013 में भोपाल में आयोजित एक रैली की है। उस वक्त मोदी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता और अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छू रहे थे, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि इस तस्वीर में आडवाणी जी पीएम मोदी को खास तवज्जो देते नहीं दिख रहे हैं, जिसके लिए उस वक्त भी इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए गए थे। लेकिन ताजा मामले में ट्रोलर्स द्वारा आडवाणी की जगह पर सऊदी के प्रिंस की तस्वीर लगाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं और साथ में उनके समर्थकों पर भी निशाना साधा जा रहा है। दोस्तों, हम सोशल मीडिया के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां अपनी आवाज बुलंद करने से ज्यादा लोग राजनीतिक छींटाकशी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी नेताओं से जुड़ी भ्रामक और झूठी तस्वीरों और वीडियो शेयर कर प्रोपेगेंडा रचा जाता है, और अब विपक्ष और आम यूजर्स भी बीजेपी को उसी की तर्ज पर जवाब देते हुए फेक वीडियो और तस्वीरों के जरिए पीएम और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।